तारीख 25 जून साल 1975। ये दिन तो आप सभी को याद होगा। आज से 48 साल पहले इसी दिन भारत में आधी रात को इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। 26 जून की सुबह देश के करीब 65 करोड़ आबादी को पता चला कि देश में इमरजेंसी लग चुका है। इमरजेंसी लागू करने की मंजूरी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दी थी। भारत के इतिहास में ये सबसे काला दिन था। आइए जानते हैं कि इमरजेंसी के समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का यूपी से क्या नाता रहा। तो कहानी शुरू करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से। 27 मई 1905 में पुरानी दिल्ली के काजी इलाके में एक लड़के का जन्म हुआ। उस बच्चे की पढ़ाई यूपी के गोंडा जिले के राजकीय हाई स्कूल में हुई। साल 1915 में बच्चे का दाखिला क्लास 5 में हुआ, लेकिन साल 1918 में वो बच्चा क्लास 8 की परीक्षा में फेल हो गया। कहा जाता है कि पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने से फेल होने पर बच्चे को झटका लगा और तभी से वो पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गया। दिल्ली में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो साल 1923 में इंग्लैंड चला गया। वहां सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। समय बीता, साल बीते, वो लड़का जो क्लास 8 में फेल हुआ था देश का राष्ट्रपति बन गया। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फखरुद्दीन अली अहमद थे। इमरजेंसी क्यों लागू किया गया? साल 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को हराया था। रिजल्ट आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दे दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपों को सही ठहराया। इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार देते हुए चुनाव रद्द कर दिया गया। 12 जून 1975 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में श्रीमती गांधी की जीत को अवैध करार दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुने हुए पद पर आसीन होने से रोक लगा दी। इस निर्णय से भारत में एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, जो साल 1975 से 1977 तक रही। इस इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। बता दें कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साउथ ईस्ट एशिया देशों के दौरे से लौटने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 11 फरवरी 1977 को 71 साल की अवस्था में उन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतिम सांस ली।